तो गाइस मैं जा रहा हूँ कानपुर रेलवे स्टेशन से बेंकी रेलवे स्टेशन। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था कानपुर तो हमें ट्रेन नहीं मिली थी, तो मुझे उसे ओमनी से आना पड़ा था। बट अभी इस बार मैं कानपुर से जा रहा हूँ रेल द्वारा। और टिकट घर अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, तो आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल पर है। तो अभी चलते हैं ऊपर। प्लेटफॉर्म 3 नंबर पर अपनी ट्रेन आने वाली है, वहीं पर जाएंगे और इंतज़ार करेंगे। 2:30 बजे वैसे तो आ जाना चाहिए, अभी 2 बजे हैं, आधा घंटा पहले पहुँच जा रहे हैं। और आपको पूरा मैं डिटेल में बताऊँगा कि आप कैसे जा सकते हो, और पूरी जर्नी आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ रुकती है और आप लोगों को कितना समय लगने वाला है, और ये ट्रेन करेक्ट समय पर आती है या फिर नहीं आती है। तो देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 कहाँ पर है, और फिर जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि ट्रेन 2:30 बजे आती है कि नहीं, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है, इसका कोई ठिकाना नहीं भाई, बहुत लेट हो जाता है। 5:45 तो आगे होगा शायद, देखते हैं आगे भाई कहाँ से। तो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई है, तो आप लोगों को वीडियो देखना। और गाइस ये देखो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, इसी में 2 है, तो इसी से नीचे चलते हैं। मुझे आ गया हूँ और आधा घंटा मेरे को इंतजार करना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये ट्रेनें बहुत ज़्यादा लेट होती है। 2:27 हो गए हैं, अभी 3 मिनट और बाकी हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि ट्रेन अपने टाइम पर आती है फिर नहीं आती है या फिर लेट होती है। बस बने रहें भाई, टाइम हो चुका है 2:40 और फिर भी अभी ट्रेन नहीं आई है, तो ये मतलब काफ़ी लेट चलती है। देखो अगर आप लोग ओमनी या फिर बस से जाते हो तो अब तक पहुंच जाते हैं, तो लगभग आधा घंटे से ज़्यादा ऊपर 1 घंटे हो गए लगभग। पहले बैठा था वहाँ टिकट काउंटर के पास, क्योंकि मेरे को पता था कि 2:30 बजे जाएगी। इसके बाद अभी देखो टिकट कटा के आया, आधे घंटे के ऊपर हो गए, फिर भी ट्रेन नहीं आई। तो बस से जाना ज़्यादा सही है, पर आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, देखते हैं कब तक आएंगे। तो गाइस अभी समय है 2:55, जब जाकर कहीं ये ट्रेन आई है, और अभी मैं बैठ चुका हूँ। ये प्लेटफॉर्म रहा अपना 3 नंबर, और अब देखते हैं चलेगी कितने बजे और पहुँचाएगी कितने समय। इसके अकॉर्डिंग तो ये 4 बजे पहुँचा देना चाहिए, बट ये 4 बजे पहुँचाएगी नहीं, क्योंकि ये बहुत लेट चलती है, और 2.5-3 घंटे भी लग सकते हैं। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा था, तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो ज़्यादा बड़ा स्टेशन तो नहीं है, बट यहाँ पर भी रुकती है, हर स्टेशन ही रुकेगी, जितने स्टेशन छोटे बड़े मिलेंगे, तो बस इसी में टाइम लग जाता है, बाकी ठीक है। तो पहले स्टेशन से तो अभी निकल पाई, ज़्यादा देर नहीं रुकी है, 2-3 मिनट रुकी होगी, 5 मिनट। अब देखते हैं अगले स्टेशन कौन सा आता है और वहाँ पर कितने देर का टाइम लगता है। ये कौन सा स्टेशन? चकेरी। अच्छा चकेरी स्टेशन, पैसेंजर ट्रेन में यही दिक्कत है, क्योंकि आप बताओ 15-20 मिनट लग ही रहे जब तक दूसरी ट्रेन है ना निकल जाए। अभी एक निकल गई है, शायद दूसरी आ रही है, और ये अभी चकेरी में है। अभी इससे पहले एक स्टेशन मिला तो वहाँ तो नहीं रुकी थी, बट यहाँ पर अभी रुक गई है, इसके यहाँ के कई स्टेशन मिलेंगे। चल पड़ी है अपनी ट्रेन। गाइस सीन कैसे आ रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना।
भाई इसकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी जब मैं वहाँ का ब्लॉग बना रहा था, ये कानपुर की चिड़ियाघर का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देखें जरूर, बहुत मस्त बना, बहुत बड़ा था भाई, इतना बड़ा था बैटरी डाउन हो गई। तुम्हारे भाई ने इतने वीडियो बनाए कि मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। काफी लोग खड़े हुए हैं, बड़ा है काफी। इधर से देखो, वहां से आई थी इधर साइड, रुक गई यार, पहले रुक गई। ये मुंबई स्टेशन है भाई। अभी आप लोगों को अंदर का व्यू दूंगा कि पैसेंजर ट्रेन होती कैसे। अगर आप लोग कभी नहीं बैठे हैं तो मैं आपको देखो, कुछ सीट भी नहीं होती सिंपल, और इसमें भी पंखे होते हैं, लाइट होती है बैठने के। बस इसमें एक ये होता है सिस्टम कि इसमें किसी की सीट निर्धारित नहीं होती, लिब्बा की तरह होता है, कोई सीट निर्धारित नहीं होती है। तो भाई साहब ट्रेन चल पड़ी है, व्यू देखो भाई स्टेशन का, और कितनी देर में पहुंचाती है हमको बिन की देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये सभी स्टेशन क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि कौन कौन सा स्टेशन मिलता है जब आप लोग कानपुर से भिंकी जाते हो, इसलिए मैं सारे स्टेशन दिखा रहा हूँ। और अभी कौन सा स्टेशन आएगा फिर से आप लोगों को दिखाऊंगा, और कितने स्टेशन पड़ते हैं आप लोग बताना कमेंट में, कितने स्टेशन पड़े हैं लास्ट वाला स्टेशन लगा कर। सरसोल स्टेशन, यहाँ से कितनी पब्लिक मतलब आई है ना, अब लग रहा है कि हाँ ये पैसेंजर ट्रेन है। ये है प्रेमपुर स्टेशन, अब यहाँ से चलिए, और 4 बजे प्रेमपुर स्टेशन में पहुँचाया इसने। अब देखते हैं बिनकी रोड कब पहुँचाती है। लास्ट स्टेशन है, इसके बाद बिनकी का ही स्टेशन आएगा, तो समझ लो 4:30 तक आपको पहुंचा देती है। तो 4:28 हो चुके हैं, 2-3 मिनट में पहुंचा देगी, जिससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो समझ लो 4:50 तक तो आप कंप्लीट पहुंच जाओगे, मतलब इतना लेट चलती है, लेकिन ठीक है, पहला एक्सपीरियंस है ठीक रहा। बड़ा स्टेशन तो नहीं है, बट काफी लोग बाइक चढ़ते हैं, मतलब काफी भीड़ हो गई थी। स्टेशन छोटा है लेकिन सवारियां काफी बैठ जाती हैं। डायरेक्ट अपना स्टेशन आएगा बिनकी रोड वाला, और वहां से पैदल चलना पड़ रहा है क्योंकि सवारी नहीं मिलती यार, ये प्रॉब्लम है थोड़ा। पीछे रही मेरी ट्रेन और मैं अभी जा रहा हूँ इस पुल से उस पार, क्योंकि इधर जाना कोई फायदा नहीं है, पैदल इधर भी चलना पड़ेगा, उधर चल लिया जाएगा तो उधर पहुँच जाएंगे, तो उधर से सवारी मिल जाएगी, इधर ज़्यादा चलना पड़ता है। तो आप भी जब उतरो तो उधर साइड ही उतरना। तो अभी जा रहा हूँ पैदल, और यहाँ के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है कि कहाँ पर टिकट मिलता है और कैसा क्या है, मतलब क्या क्या है, तो पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर है, तो आप लोग जाकर जरूर देखें। वीडियो को अब ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी लंबी हो चुकी होगी। और गाइस आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, फतेहपुर से हो लेकिन मेरे को फतेहपुर वाले ही लोग नहीं सपोर्ट कर रहे। और अगर आप लोग अदर सिटी से हो तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मेरे को भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कौन कहाँ से देख रहा है, और वीडियो को लाइक भी कर दे।